प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी चिन्हित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उत्तरायण घोषणा उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाना घोषणा उच्च शिक्षा विभाग। आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूट कर फिर से अपराध ना करें। ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत बिल को दंड प्रक्रिया सहित CRPC की धारा 437, 438 एवं 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्यवाही करने के दिशा निर्देश आज जारी किए गए। दिशा निर्देश गृह विभाग। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, DJ संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग को संबंधित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश गृह विभाग। 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था हम मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू कर देंगे। इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में बिना आवेदन नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से लागू की गई है, जिसमें रजिस्ट्री के उपरांत क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण फेसलेस पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए गए स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे और नक्शे में भी क्रेता का नाम बढ़ जाता है। मंत्रिपरिषद अनुसमर्थन का मामला राजस्व विभाग। तेंदुपत्ता संग्रहण पर 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद अनुसमर्थन का मामला वन विभाग। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयर करने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत CRPC में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से मतलब महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3,000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी अब उसको 4,000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता अर्थात रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए, तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए ऐसी अपेक्षा।